What's up? Welcome back to another video. Okay, this is a very different video again. Oh god, I'm so happy and I'm so proud that I'm, you know, experimenting with different kinds of videos, and I'm really hoping that you're liking it. Anyway, so in this video, pehle backstory de deti hu. So the backstory is, subah uthi main soke and I was in like mood to, you know, click some pictures, like actually get some pictures clicked. I was like, अरे यार Instagram पे कब से कोई photo नहीं डाली है. मैंने बोला यार कैसे करूँ, now I can't even get clicked. So मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, खुद ही photos खींचने की कोशिश करते हैं. And कुछ दिमाग थे ideas में जो कि आजकल बहुत viral हो रहे हैं, जैसे कि fridge वाली selfie बहुत ही ज़्यादा viral हो रही है. Like selfie नहीं कहूँगी, मतलब self portraits कह लो. तो काफ़ी हो रहे हैं ऐसे कुछ ideas viral. So I thought why not I also try those viral hacks. कुछ अपने दिमाग के हैं, कुछ मैंने वो जो वायरल है वो ट्राई करने वाली हूँ. सो आई थॉट कि कर लेते हैं ट्राई, अगर कोई अच्छी फोटोज मिल गई तो यू नो आई विल बी एबल टू पुट दोज फोटोज ऑन इंस्टाग्राम. एंड या सो बस उसी से फिर मैंने सोचा कि वीडियो भी बना ली जाए, कि अगर अच्छा आउटपुट आ गया तो वाई नॉट यू नो मेक अ वीडियो अबाउट इट, और वो हो सकता है आइडिया आप लोगों के भी काम आए और आप लोग भी उसे कर पाओगे. इफ़ इन केस अगर आपने ऑलरेडी वो वायरल हैक्स जो फोटोग्राफी के हैं वो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मेरे चैनल पे दिख जाएंगे एंड आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने वो कैसे किए हैं और आप भी उन्हें आसानी से कर पाओगे. पहले होपफुली मैं कर पाऊँ. तो एनीवे, सो मैंने क्या सोचा है, पहली जो मैंने ट्रिक अपनाई है वो ये अपनाई है दैट क्योंकि इट इज़ गोना बी अ घर का फोटोशूट, तो आई हैव नॉट पुट अ लॉट ऑफ मेकअप. बाय लॉट ऑफ आई मीन आई हैव नॉट पुट अ लॉट ऑफ कलर्स ऑन माई फेस एज इन आई शेडो या ये है वो. मैंने बहुत सिंपल प्लेन अपना फेस रखा है, सिर्फ एक लंबा सा आईलाइनर लगाया और एक न्यूड लिपस्टिक लगाई है. तो बहुत ज़्यादा कॉन्टोर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ब्लश नहीं किया, लाइक आई केप्ट इट वेरी नॉर्मल सा, सो दैट वेन आई look at the photographs give me that you know warm feeling of घर, क्योंकि घर में खींची गई है. So that's what I wanted. So I think पहली tip मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगी that do not do, you know, अगर लड़कियां कर रही हैं तो do not put a lot of makeup on your face, let it be very natural, subtle and it should have that warm feeling. Now let's quickly start this. सबसे पहला मैंने ऐसे ही अपना एक पुराना सा एक टी शर्ट पहन लिया है, काफी लूज सा टी शर्ट है ये, वो पहन लिया है. सबसे पहले आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दैट फ्रिज वाला सेल्फी. सो वी आर सबसे पहले गोइंग टू गो टू माई फ्रिज, उसे खोलते हैं और उसके सामने बैठ के एक फोटो लेने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू दिस. यू नीड अ स्मार्टफोन फॉर दिस ऑब्वियसली, लाइक इट शुड हैव अ गुड कैमरा, देन ओनली यू विल गेट गुड आउटपुट. सो आजकल सब लोगों के पास यूजुअली वन प्लस के फोन या आईफोन, कोई भी बहुत सारे फोन अभी ये तो नॉर्मल हो गए, सबके पास ही होते हैं. सो यू कैन यूज एनी स्मार्टफोन जिससे आपको लगता है कि यू नो थोड़ी अच्छी फोटोज आती हैं. सो आई हैव टू कैमराज बट आई एम स्टिल गोना यूज माई फोन फॉर दीज फोटोग्राफ्स, सो दैट क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हर व्यूअर के पास कैमराज नहीं है, DSLR नहीं है अच्छे अच्छे, तो हमारा तो काम है इसलिए हमारे पास DSLR होते हैं, बट नॉट एवरीबडी हैज यू नो DSLRs अपने घर में, कैमराज बड़े वाले. सो आई वॉज गोना मेक श्योर दैट आई यूज अ नॉर्मल फोन, बाय नॉर्मल आई मीन लाइक घर का कोई भी जो हमारा स्मार्टफोन है वो यूज करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को एग्जैक्टली थोड़ा आइडिया मिल जाए कि भाई फोन से भी हम लोग ये फोटोज जो है वो खींच सकते हैं. नाउ कमल और मैं हैं इस घर में, मेरे पास आईफोन 7 है और कमल के पास वन प्लस 6 या 7 है, कोई इसमें से फोन है, आई डोंट रिमेम्बर विच वन इज इट एग्जैक्टली. सो अगर कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली मेरे आईफोन से ज़्यादा बेटर फोटोज कमल के वन प्लस से ही आती हैं, डेफिनेटली, लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना गो टू कमल, request for his phone and borrow that phone from him for a couple of hours and then we have to start shooting the pictures. All right, mission accomplished. Phone hamare paas mil gaya. Kamal, ye kaun sa phone hai? One plus six hai ya seven hai? It is exactly one plus 6T. This is the phone जो कमल के पास है. सो दिस इज द फोन विच वी गोना यूज फॉर फोटोज. इफ इन केस यू आर वंडरिंग कि मैंने एग्जैक्टली कौन से फोन से फोटो खींची है, सो इफ यू हैव दिस फोन देन डेफिनेटली यू कैन यूज दिस फोन, अदरवाइज विच एवर फोन यू हैव. ओके, नाउ वी आर इन किचन, इट्स क्वाइट मेस्ड अप बिकॉज for obvious reasons. Anyway, so this is my fridge. I've just opened it. Now, what I'm gonna make sure, वैसे बहुत ज़्यादा सामान नहीं है लॉकडाउन की वजह से, obviously इतना ज़्यादा राशन नहीं है. Now, the thing you can remember while shooting a fridge selfie is that you can take colorful things like tomatoes or maybe a jam bottle or maybe this. Okay, this is not fitting.
like anything which is colorful, you can just use those things here so that jab wo photo mein aaye to bahut dull na lage, photo kafi colorful lage. And hamari bottles to already yahan pe Bonvita ka dabba hai, ye sab already colorful hai, so we are I think good to go now. Let me set up my camera. ओके, सो आई हैड दिस सिलेंडर यहाँ पे पड़ा हुआ, उस पर मैंने क्या किया है दैट आई हैव पुट दिस फोन ऑन सेल्फी मोड और मैंने ये पोर्ट्रेट पे लगा लिया है अपना जो कैमरा है और यहाँ पे किसी तरीके से इसको सेट कर लिया है. नाउ आई एम गोना टेक द पिक्चर. मेक श्योर दैट आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए फ्रिज को खुला ना रखो, जब जरूरत नहीं है इसको प्लीज बंद कर दो एंड देन ओपन इट वंस यू आर एक्चुअली जस्ट टेकिंग द शॉट. एंड ऑल्सो आई एम गोना पुट दिस फोन ऑन टाइमर सो दैट it's easier for me to take a shot. You can use a prop like just to make this photo a little colorful. Yeah. How it turned out, and I think holding this tomato in the hand made a lot of difference. So अगर आपको फोटो आपकी डल लगे तो कुछ भी चीज़ हाथ में ले लेना, जैम की बॉटल या कुछ भी ले लेना और तब आप इसे आराम से फोटो खींच सकते हो. So yeah, this was the outcome of the first hack. Now moving on to another hack. For that I think I need to change my clothes. So मैं ऊपर का सिर्फ एक टॉप चेंज कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ. Alright, so I've worn this top जो कि बिल्कुल आयरन भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट इट्स फाइन. वी डोंट एनी वे नीड टू टेक अ फुल पिक्चर. मुझे जो इसके लिए दिमाग में आइडिया है उसके लिए मुझे पूरा ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है. सो मैंने ऐसे ही बिना प्रेस करे इसको पहन लिया है. नाउ फॉर दिस फोटो वॉट आई एम गोना नीड इज अ प्लांट बेसिकली. सो प्लांट की जगह मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ये एक ऐसी जो बेल मेरे घर में लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको यूज करने वाली हूँ. और इसको ऑब्वियसली पहले मुझे नेचुरल लाइट के पास जाना है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोटोज ये देखो अच्छी आएंगी. सो मुझे ये अपनी जो ये खिड़की है यहाँ पे इसको लगाना है. सो आई एम गोना यूज़ सम सेलो टेप या कोई भी टेप जो आपके पास है यू कैन यूज़, और इसको मैं लगाने वाली हूँ, फिट करने वाली हूँ अपनी खिड़की पर. फिर इसको एज अ प्रॉप मैं यूज़ करके कोई फोटो खींचने वाली हूँ. सो लेट्स ट्राई, आती है नहीं आती है. अगर अच्छी नहीं आई तो मैं कोई और भी प्लांट है घर से वो उठा लूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ईजिएस्ट मेथड मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके साथ. और राइट, सो मेरे पास ये एक टेप पड़ी हुई थी, मैं ये टेप को हल्का सा इसमें से मैं टेप निकालने वाली हूँ, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बहुत ही हल्की बेल है ये. अब मैं ये खिड़की खोल रही हूँ, नाउ मे बी यू नो यू कैन जस्ट प्ले विद इट एंड क्लिक अ पिक्चर लाइक दिस. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना डू. तरीके की फोटोज आ रही हैं एंड आई एम रियली रियली लाइकिंग इट. सो दिस इज द फाइनल आउटकम. आई एम रियली 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 सेटिस्फाइड विद दिस. आई डोंट थिंक वी नीड टू डू एनीथिंग एल्स. आई थिंक दिस बेल रियली रियली वर्कड and I didn't have to do a lot of things. It's just that मैंने इसको अपने ऐसे हाथ में पकड़ा and made sure कि मेरी आँखें जो है इससे cover नहीं हों, बस ऐसे हल्का सा आँख दिखे और मेरे lips दिखे, and this is how I took this shot. So this is the final outcome. All right, मैंने अपना next change कर लिया है, बहुत ही normal सी t-shirt पहन लिया है. इसमें मैंने actually कमल की t-shirt पहनी है और ये कुछ इस तरीके की लगती है, काफ़ी बार आपने मुझे vlogs में पहने हुए देखा है. आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी लाइक नॉर्मल, ऐसे कुछ फैंसी नहीं चाहिए था. सो आई हैव जस्ट
I'm just using this t-shirt. And for this trick, what I'm gonna do is I'm gonna use this white curtain. Main reason maine white t-shirt pehenne ka yahi tha, like this was the whitest I could get. So because mere paas ye white curtains hai jo bahut hi sundar hai, aise hai net mein hai, kuch aisa material hai iska, but this look, they look really really nice. So what I'm gonna do is I'm gonna use these curtains over my head, and that's the main reason I wore this white t-shirt, so that you know the whole the whole photo looks very white and very fresh ekdam se. So I'm gonna use this curtain over my head like this and take photographs like this. So I'm gonna just quickly pick up the phone and start taking the photos. Very nice. Let me just show you quickly किस तरीके की photos हैं. मैंने खींच लिए कुछ 8-10 photos खींच लिए हैं और काफी अच्छी आ रही हैं photos. So yeah, this is final outcome. Really like it. मुझे लग रहा है सारी जो भी tricks हम use कर रहे हैं वो बहुत काम आ रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं. Okay, quickly moving on to the next trick, जिसमें मैं again कपड़े change कर रही हूँ. अब मैं और ज़्यादा कपड़े change नहीं करने वाली हूँ. I think I'm just gonna change one more, और उसी के अंदर मैं 2-3 तरीके से shorts ले लूँगी. So yeah, let's get this. Alright guys, I changed into this shirt slash top, जिसको मैं एक्चुअली पहनती नहीं हूँ बिकॉज मुझे इसका मज़ा नहीं आता. मतलब काफ़ी शॉर्ट है ये, और बट मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लगा. अभी मैं ढूंढ रही थी कि क्या पहनना है, तो प्रिंट बड़ा अच्छा लगा. सो टिप नंबर कौन सा है मुझे याद नहीं है, बट अनदर टिप इज दैट यू कैन डेफिनेटली यूज योर क्लोथ्स जो आप बहुत ज़्यादा नहीं पहनते हो या आपको पसंद नहीं है, बट यू रियली लाइक द डिज़ाइन, द पैटर्न, द कलर, everything, but you still just cannot wear it because of one or the other reason. It's just completely lying down as a waste in your cupboard. You can use those clothes for these photographs. So किसी काम भी आ जाएंगे तो ऐसा बुरा भी नहीं लगेगा कि यार waste हो गए कपड़े. So that's what I'm gonna do. मैंने ये top आप मुझे कभी पहने हुए नहीं देखा होगा, इतना बुरा नहीं लग रहा है, but it's very short, so I don't go out wearing this top. So anyway, I used this top. So इस idea के लिए मैंने जो सोचा है वो ये सोचा है कि मेरे बालों को मैं ज़्यादा use करूँगी, क्योंकि बालों का color जो है ये धूप में और ज़्यादा सुंदर लगता है, अभी बाहर से जो light आ रही है इसी. So मैंने सोचा बालों को use किया जाए इसमें. So let's see क्या करते हैं हम इस शॉर्ट के लिए. मुझे बस इतना पता है कि मैं ज़मीन पर लगाने वाली हूँ कैमरा, एंड लेट्स सी किस तरीके के शॉर्ट्स आते हैं. ओके, आई एम जस्ट गोना ओपन द विंडो अगैन. Now what I'm gonna do is ये यहाँ पे मैं कैमरा रखने वाली हूँ इस तरीके से यहाँ पे, और मैं इस तरीके से यहाँ पे झुक के फ़ोटो लेने वाली हूँ बेसिकली. सो उससे क्या होगा, मेरे जो बाल हैं वो कैमरे पे बहुत ज़्यादा गिरेंगे, तो वो बहुत आई थिंक कलर बहुत सुंदर लगेगा मेरे बालों का. सो लेट्स ट्राई दिस. इतना अच्छा काम लग रहा है इसमें, वेरी वेरी नाइस. सो इफ यू हैव कलर्ड हेयर ना स्पेशली, और हल्के से वेव्स पड़े हुए हैं बालों में, तो बहुत ही प्यारी आएगी आई थिंक ये पिक्चर. नाउ फॉर द नेक्स्ट ट्रिक, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना कीप माय कैमरा. पहले मैंने बिल्कुल जमीन पे रखा था इसको, ऐसे लिटा के रखा था, अब मैं थोड़ा सा ऐसे रखूंगी इसको ये. ये इस तरीके से, और मैं फोटो ऐसे और मैं कुछ इस तरीके से फोटो खींचने वाली हूँ. आई एम यूजिंग दिस हैंड बेसिकली. इस हैंड को मैं बहुत ज्यादा आगे ला रही हूँ
सो दैट हाथ जो है वो मेरा बहुत बड़ा दिखेगा और बाकी बॉडी को जो है मैं पीछे रख लूँ. This one we got something like this. You see, ये हाथ बहुत बड़ा सा दिख रहा है तो काफी अच्छा लग रहा है. इसमें भी बालों का यूज बहुत अच्छा हो रहा है. अब मैं लास्ट लेने वाली हूँ इसके अंदर एक और तरीके से. अभी अभी दिमाग में एक आइडिया आया है दैट लेट्स यूज द लेग अगेन. मैं अपने फोन को यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मली रख दूंगी यहाँ पे और अपनी बॉडी से मैं ऊपर आऊंगी इस तरीके से आऊंगी एंड आई विल यूज माय लेग लाइक दिस. सो इस तरीके से जो ये मेरा फ्लेयर है वो फोटो में आएगा. 3, 2, 1. फॉर दिस वन वी गॉट समथिंग लाइक दिस. इससे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज भी आई हैं. Which I had in my mind, and I think all the tricks जो मैंने आज की है ना सारी मुझे बहुत अच्छी लगी है और सारी ही काम कर गई है. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई फेल हो गया. सो आई थिंक आई पास्ड इट लाइक 100% मार्क्स के साथ एंड दीज आर लाइक सम रियली रियली ईजी ट्रिक्स और फोटोज बहुत ही आसानी से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आ जाती है, अच्छी आ जाती है. आप बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ प्रॉप्स. आपको पता भी नहीं चलेगा मतलब आपके घर में खुद में इतने सारे प्रॉप्स होते हैं. सो थिंक एंड या आई थिंक आई रियली लाइक्ड. मुझे लगता है सभी जो मैंने ली हैं आज फोटोज उसमें से बहुत सारी फोटोज मुझे मिल जाने वाली हैं. पर बहुत सारी तो डाल नहीं सकते हैं. हर उसमें से मैं एक ही फोटो फाइनल करने वाली हूँ एंड यू कैन फाइंड दोज फोटोग्राफ्स ऑन माई इंस्टाग्राम फीड ऑल्सो वेरी सून. सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड ऑल द ट्रिक्स. आई होप यू लाइक द फोटोग्राफ्स. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा बेस्ट पिक्चर कौन सी लगी और क्या आप रिक्रिएट करना चाहोगे इनमें से कोई भी फोटो करना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि यू नो कौन सी आप रिक्रिएट करने वाले हो या कर चुके हो. अगर कर लोगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना. दीज आर डेफिनेटली नॉट माई आइडियाज. लाइक दीज आइडियाज वर नॉट बॉर्न इन माई ब्रेन बट या दिस इज माई रिक्रिएशन ऑफ ऑल द आइडियाज दैट आई सॉ जो वायरल थे. टिकटॉक पे कोई देखा, कोई यूट्यूब पे देखा. सो दिस वॉज माई रिक्रिएशन. दीज वर नॉट माई आइडियाज बट या यू कैन स्टिल गो हैड एंड टैग मी क्योंकि आप लोगों ने इस आइडिया को मेरे पेज पे देखा है. सो यू प्लीज फील फ्री टू टैग मी एंड आई वुड लव टू रीपोस्ट योर पिक्चर्स. And yeah, on that very happy note, I'm gonna say bye-bye to you guys. I'm gonna see you guys super soon in my next video. Till then, bye-bye. Take care, guys.